तो मैं हेमंत श्रीवास्तव फोर स्टेप कॉर्पोरेट एलएलबी कंपनी में दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और ये चाहता हूं और ये मानता भी हूं कि हम सब लोग एक सुनहरी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज खड़े हैं और हम सब उड़ान भरने के लिए भी तैयार हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब तक हम सीखेंगे नहीं चीजों को कैसे करना है, किस तरह करना है, कैसे ये मैनेज होगा, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, कौन सी चीजें हैं, बेसिक्स क्या है, बेसिक्स के फंडामेंटल रूल्स क्या है, जब तक इन रूल्स को हम नहीं समझेंगे तब तक शायद हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी चीजें छोटी से छोटी जानकारी आपको यहां से दी जाती है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है बल्कि सीखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, ना कि उसको अपने तक रखना है। लेकिन ये चीज होगी कैसे कि जब तक आप एग्जीक्यूशन करेंगे आपके साथ आपकी टीम में लोग भी होने चाहिए जिन लोगों को हमें काम सिखाना है, राइट? सो मेक योरसेल्फ एन एक्सपर्ट इन अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है और सब लोग अपनी डायरी और पेन के अंदर नोट डाउन करिएगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम कर रहा हूं या मैं काम कर रही हूं, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान जो प्रेजेंटेशन है क्या मैं तरीके से दिखा पा रहा हूं या दिखा पा रही हूं? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बड़ी इनकम एवरी डे लोग 5,000 से 10,000 से 15,000 रुपए तक आज यहां पे अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं 1,000, 2,000, 5,000 अर्न कर रहा हूं या नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा हूं तो उसकी सीधी सी वजह ये है कि मुझे अभी तक प्रेजेंटेशन खुद तो समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया है और मैं किसी को समझा भी नहीं सकता। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर लीडर्स कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हमारा प्रेजेंटेशन दिखाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो पर्सनली उनके लिए हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको भी प्रेजेंटेशन करना सिखाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो जुड़ने से स्टार्ट नहीं होता है। आपका बिजनेस तब स्टार्ट होता है, आपका इनकम तब आना शुरू होता है जब आपके हाथ में ये पेन आ जाती है और आपके सामने जब लोग बैठते हैं और आप प्रेजेंटेशन करते हैं, प्लान करते हैं, फोर स्टेप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस वक्त आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट? सो इस चीज को समझना है कि अगर मुझे प्लान दिखाना या प्रेजेंटेशन करना, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वन ओवर हो, चाहे मीटिंग में हो, चाहे सेमिनार में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है तो मैं एक हाइट तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगी। सो हम सब लोगों का ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हमें प्रेजेंटेशन करना, प्लान करना आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसके लिए स्पेशल आधा दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकालिए और सबसे पहला काम यह है कि हमें प्रेजेंटेशन को सीखना है, राइट? सीखने के बाद उसको मिरर पे प्रैक्टिस करनी है। मैं जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड हुआ था एज अ ट्रेनर, मुझे नहीं पता था मैं कैसी ट्रेनिंग लगाता हूं या मैं कैसी देखता हूं। लोगों ने तारीफ कर दी और मैंने शुरुआत कर दी, ये होता था। बट जब मुझे ये पता चला कि अपने आप को, जब होता है ना डांसिंग, जब हम सीखते हैं, डांस सीखते हैं या नृत्य सीखते हैं या कुछ भी एक्सपर्सल एक्टिविटी करते हैं, तो हमें आईने के सामने प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हमें ये पता चले कि हमारा पॉस्चर, हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो स्पीच है, जो भी चीजें हमारी है, क्या वो प्रॉपर हो रही है या प्रॉपर नहीं हो रही है, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीजों को समझें कि हम प्रेजेंटेशन करते वक्त कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा पॉस्चर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा मूवमेंट किस तरह करता है। अगर ये सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई, मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं, आई एम द कंप्लीट प्लानर, राइट प्लानर, मैं सही प्लान कर रहा हूँ, सही प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो 10 टाइम नहीं बल्कि 100 टाइम बढ़ जाए, राइट? सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर लीडर्स कि जितने भी हमारे साथी मित्र है उन सभी लोगों को प्रेजेंटेशन की एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और हर एक इंसान का प्रॉपर प्रेजेंटेशन चेक भी किया जाए। और जो प्रेजेंटेशन कंपनी बिहाफ पे आपको मिलता है वही प्रेजेंटेशन है कि ऊपर से जो चीज जिस हिसाब से आ रही है उसी हिसाब से नीचे भी जानी चाहिए। प्लीज माइंड मत करिएगा इस चीज को कि मैंने देखा है कि जो प्लान कंपनी का है वो प्लान कुछ लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह शो ऑफ करते हैं, बट कुछ लोग नीचे प्लान प्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं कि मुझे लगा, मैंने 2-3 लोगों के प्रेजेंटेशन देखे, बट मुझे लगा कि ये हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन है ही नहीं, किसी और ही कंपनी का प्रेजेंटेशन। सो जो चीज आप कर रहे हैं एज इट इज वो डुप्लीकेट होनी चाहिए। जिस हिसाब से आपके सीनियर प्लान करते हैं, जिस हिसाब से कंपनी का प्लान है, उसी हिसाब से आपका भी प्लान नीचे तक जाना चाहिए। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि हमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो नेटवर्क बनाने में, टीम डेवलप करने में और साम्राज्य को और बड़ा करने में।
राइट। सो आगे चलते हैं। देखिए बेसिक्स जो है वो बहुत जरूरी है और ये बेसिक्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस को बड़ा करना जरूरी है, जितना ये कह सकते हैं सांस लेना जरूरी है, या जितना ये कह सकते हैं पैसा कमाना जरूरी है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना जरूरी है, या ये कह सकते हैं कि अगर हम पैसिव इनकम पे जाना चाहते हैं, हम बहुत बड़ी इनकम पे पहुंचना चाहते हैं, हम अर्ली रिटायर होना चाहते हैं, तो कुछ पहलू है जिस पहलू के अंदर मुझे मास्टर बनना है। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के साथ मुझे मेरी टीम को डेवलप करना है। लास्ट जब मीटिंग हुई थी तब मैंने कहा था कि सबसे पहले मुझे ये सीखना है कि मुझे सीखना क्या है, राइट। सो दिस इज द थिंग्स कि सबसे पहले क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। मुझे काम करने के लिए या मुझे काम करवाने के लिए मैं किसी भी इंसान के साथ जब डिस्कस करता हूं तो मैं डिस्कस क्या करता हूं, इसको समझना है। मैंने डिस्कस किया, जैसे मैंने लोगों को देखा है कि बहुत जबरदस्त कंपनी है, बहुत जबरदस्त पैसा आता है, लोगों ने अपना पेमेंट स्टेटस दिखा दिया, लोगों ने जूम मीटिंग के अंदर अपनी थोड़ी बहुत वाहवाही कर ली और बोला आप भी इतना पैसा कमा सकते हो और ये काम हो जाता, राइट। मैंने ऐसा देखा है, बट लोग उस चीज को देख के थोड़े समय के लिए एक्टिवेट होंगे, थोड़े समय के लिए हो सकता है वो आपके साथ काम करना शुरू भी कर दे, आपसे प्रोडक्ट भी परचेस कर दे, लेकिन वो आपके परमानेंट लीडर कभी नहीं बन सकते, वो सिर्फ कस्टमर बने रह जाएंगे और आपको फिर से उठ के वही रूटीन दोहराना पड़ेगा जो आप रेगुलर कर रहे हैं। मतलब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आएगी कि मुझे अब 10-15-20 लोगों को क्लाइंट शो करना है और ये हर रोज का रूटीन बन जाएगा। हमें ये काम नहीं करना, वी आर नॉट हियर टू मेक अ कस्टमर, हम यहाँ पे कस्टमर बनाने के लिए नहीं आए, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे नेटवर्क बनाने आए, हम पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आए, हम अर्ली रिटायर होने के लिए आए, हम एक लेगेसी हमारे परिवार को देने के लिए आए हैं कि हम रहे या हम ना भी रहे तो भी हमारी इनकम कभी भी बंद नहीं होगी, राइट। सो हमें किस तरह से बात करनी है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किसी के साथ में बैठा हूं तो काउंसलिंग के पॉइंट कौन से है, किस तरह से मुझे काउंसलिंग करना है, उसमें कौन से पॉइंट काम करते हैं, जिस पॉइंट को पुश करने से उस पर्सन की नीड सामने आती है, जिस पॉइंट को पुश करने से उस पर्सन की काम करने की जो कला है वो सामने आती है, हमें यह सीखना है। तो पहला हमें यह सीखना है कि क्लियरिंग विजन जो है वो होता कैसे है। अपनी डायरी में इसको नोट डाउन करिए क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तो टॉपिक हम जाएंगे, राइट, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वन बाय वन क्लियर करेंगे। पहला ये सीखना है बेसिक्स में, क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग, ये हमारा पहला मुद्दा हो गया। फर्स्ट आपका तो शायद हो सकता है मेरे कॉल्स कुछ लोगों को आएंगे और मैं पूछूंगा कि आपने मीटिंग में क्या सीखा है तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो पहला मुद्दा है, पहला जो टॉपिक है वो ये है कि हमें ये सीखना है कि किसी भी पर्सन के साथ वर्किंग करने से पहले उसके विजन की क्षमता को जानना है ना, उसके विजन की क्षमता को जानना, वो पर्सन कहां तक दौड़ सकता है, कहां तक आपके साथ वो रेस में रह सकता है, उस चीज को समझना, जानना, उसके विजन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हमें यह सीखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ, यानी कि आपने जिस पर्सन को भी सिलेक्ट किया है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपने जिस पर्सन को भी सिलेक्ट किया है काम करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए या अपने नेटवर्क को पावरफुल बनाने के लिए, क्या वो पर्सन पावरफुल है, क्या वो कैरेक्टर का अच्छा है, क्या उसका खुद का बड़ा विजन है, क्या वो छोटी छोटी बात को लेकर नेगेटिव हो जाता है, क्या वो छोटी छोटी बातों को लेके छोटे बच्चों की तरह जिद करता है, क्या वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके काम को स्टॉप कर देता है, क्या वो, तो ये सारी चीजें बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपने जिस पर्सन को सिलेक्ट किया है काम करने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, वो पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी ड्रीम्स, उसके इमोशंस, उसका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वो एक ईमानदार व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में सामने खड़ा होना चाहिए, वो फ्रंट से लीड करता हुआ होना चाहिए। तो बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ ये कैसे करना है, इसके ऊपर भी हम इस ट्रेनिंग द्वारा जो हर सैटरडे हमारी मीटिंग्स होंगी, ये टॉपिक है जिसके ऊपर हमें मास्टर बनना है, इसके ऊपर हम रेगुलर चर्चा करेंगे। द थर्ड वन इज लिस्ट बिल्डिंग,
कि लिस्ट बिल्डिंग जो है उसको किस तरह डेवलप करना है, कैसे लिस्ट बनती है, कौन सी लिस्ट बनती है, कितनी मात्रा में लिस्ट बनती है, किस प्रकार की लिस्ट होती है और इससे काम कैसे बढ़ता है, उसके ऊपर बात करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि सर मेरे पास काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? बिकॉज मेरे पास लोग नहीं है। अब मेरे पास लोग नहीं है तो सीधा ये सब मेरा काम नहीं होगा, मैन पावर नहीं है तो काम शायद अटक जाता है। सो इन चीजों को सीखना, इन चीजों के अंदर मास्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कोई भी लॉयर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी सीए की पढ़ाई करता है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई दुकान भी खोल देता है, तो मेरी चीजों को ध्यान से समझना। एक डॉक्टर पहले अपने पेशेंट को इकट्ठा करता है या पहले डिग्री लेता है, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। कोई लॉयर है तो क्या वो लॉयर पहले अपने क्लाइंट इकट्ठा करेगा या पहले एलएलबी की डिग्री लेगा, है ना? कोई सीए है तो सीए क्या पहले अपने क्लाइंट इकट्ठा कर लेगा उसके बाद सीए की डिग्री लेगा? नहीं। कोई दुकान वाला बंदा है, दुकान खोल रहा है, तो क्या वो पहले कस्टमर बना लेगा, पहले कस्टमर क्रिएट कर लेगा उसके बाद दुकान में इन्वेस्ट करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने डिग्री ले ली है, पेशेंट अब कभी भी नहीं पहचाने। ये साउंड करने वाली चीज है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जिस कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट है और मेरा लेवल इस कंपनी में ये है और इस कंपनी के साथ मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं। अगर आप भी काम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ मिलके बहुत बड़ा साम्राज्य बन सकते हैं। यानी कि आपको लिस्ट पहले दिन से क्रिएट करनी है, कौन सी करनी है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज ये टॉपिक जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये वन बाय वन ट्रेनिंग हमारी चलेगी, मतलब इसके ऊपर हम एवरी वीक बातचीत करेंगे। सो वरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसको हमें सीखना है, इन चीजों को हमें तरीके से सीखना है। कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, मतलब मुझे किसी को कॉन्टेक्ट अगर करना है तो कॉन्टेक्ट का मेरा तरीका क्या होना चाहिए, राइट? मैं किस तरह से कम्युनिकेट करूंगा कि मेरा कोई भी कॉन्टेक्ट, चाहे वो अमेरिका में क्यों नहीं बैठा, चाहे वो रशिया में क्यों नहीं बैठा है, चाहे वो किसी और प्रदेश में क्यों नहीं बैठा है, लेकिन मेरा तरीका इतना शार्प होना चाहिए, इतना शानदार होना चाहिए कि मेरा कोई भी कॉल फेल ना हो। इसके ऊपर मुझे मास्टर बनना है, राइट? मुझे इनवाइट कैसे करना है? अगर मैं किसी को इनवाइट करना चाहता हूं, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो मेगा इवेंट हो, चाहे कंपनी का सेलिब्रेशन इवेंट हो, अगर मुझे इनवाइट करना है, मैं उसको कैसे इनवाइट करूंगा? सो ये भी मुझे सीखना है, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी। ये टॉपिक्स है, इसको आप लिख लीजिए ताकि आप हमेशा जब भी हमारी कम्युनिकेशन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर लास्ट वीक जो सैटरडे था उस टाइम हमने ये डिस्कशन किया था, सो इस डिस्कशन में मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी, प्लीज मुझे गाइड करिए, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। देखिए फिर से वही टॉपिक जो पहले शुरू किया था, शो द प्लान एंड डेमोंस्ट्रेशन। मैंने देखा है कई सारे लोगों को कंपनी का जो प्रेजेंटेशन जो कंपनी की तरफ से आता है वही नीचे तक जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन। जैसे अगर मैं इस पेज की जेरोक्स करवाऊंगा तो एग्जैक्ट जेरोक्स निकलनी चाहिए, अगर वो एग्जैक्ट नहीं आती है तो वो एक्यूरेट नहीं कहलाएगी, राइट? सो इस चीज को हमें सीखना है, इसमें हमें महारत हासिल करनी है। डेमोंस्ट्रेशन, हमारे पास लगभग आज 30 से 40 प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बढ़ के हमारे तकरीबन 100 के करीब होने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट 100 प्लस क्रॉस हो जाएंगे। हर चीज का जो डेमो है वो डेमो आपको आना चाहिए, आपका खुद का एक डेमो वीडियो होना चाहिए कि अगर मैं नोनी जूस का वीडियो बना रहा हूं तो नोनी जूस से मुझे और मेरे परिवार को क्या फायदा हुआ, ये मुझे समझाना है लोगों को। ये वीडियो हर जगह वायरल होना चाहिए। अगर मैं पेस्ट यूज कर रहा हूं तो उस पेस्ट का मुझे क्या फायदा हुआ और मेरे परिवार को क्या फायदा हुआ और जिन लोगों को मैंने ये पेस्ट दिया है उन लोगों को क्या फायदा, ये मुझे टेस्टिमोनियल बनाने हैं। मैं पूरी की पूरी टीम से ये दरख्वास्त कह सकते हैं, करना चाहूंगा कि आप लोग जिन लोगों को भी आपने प्रोडक्ट दिए हैं उनको जितने भी फायदे हुए, चाहे वो हमारे सोप से फायदे हुए हो, नोनी जूस से हुए हो, वाइटल ड्रिंक से हुए हो, क्लासिक जूस से हुए हो, या हमारे बेरी जूस से हुए हो, हमारी क्रीम से हुए हो, हमारे फेस वॉश से हुए हो, हमारे हेयर टॉनिक से हुए हो, जिस भी चीज से फायदे हुए हैं, तो सबसे पहले अपना खुद का एक वीडियो बनाइए बहुत ही शानदार तरीके से और अपनी टीम के इंटरव्यूज भी लीजिए ताकि हर पर्सन
इस प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देख सके, उसके बेनिफिट देख सके, यकीन मानिए आपका बिजनेस रात और रात काफी अच्छा ग्रो कर जाएगा, राइट। एंड लास्ट वन इज फॉलोअप। ये छह बेसिक्स है, ये छह बेसिक्स है, फॉलोअप कैसे करना है उसके भी तरीके हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह आर्ग्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट करना है, किस तरह उस आर्ग्यूमेंट्स को जो प्रॉब्लम है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, उसके भी तरीके हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है। और अगर फॉलोअप के अंदर आपकी मास्टरी है तो डेफिनेटली आपका कोई भी कॉल फेल नहीं हो सकता, ये मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं वो फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप तरीके से फॉलोअप नहीं करते, मैं जूम मीटिंग में एवरी डे अप्रोक्सीमेट सुबह 300 लोग, दोपहर को 300 लोग, शाम को 6 बजे 300 लोग और रात को 9 बजे 350 लोग, यानी कि रोज मैं 1000 लोगों से मिलता हूं, लेकिन इन 1000 लोगों के अंदर अगर उन 1000 लोगों का एवरी डे प्रॉपर फॉलोअप हो, एवरी डे अगर प्रॉपर फॉलोअप हो, तो सोचिए आपके ग्रुप के अंदर अप्रोक्सीमेट 600 ज्वाइनिंग होनी चाहिए एवरी डे, अगर 1000 प्लान हो रहे हैं तो। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप लोगों में टैलेंट नहीं है, आप नॉलेजेबल नहीं है, यू ऑल बहुत जबरदस्त टैलेंट है आप लोगों में, आप सभी लोगों को मैं वंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, आपकी मेहनत मैं रोज देखता हूँ, आप बहुत दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन एक छोटी सी जो गलती हो रही है वो ये हो रही होगी, शायद मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, शायद कि अगर फॉलोअप हमारा तरीके से हो तो पर डे हम 600 से भी ज्यादा की ज्वाइनिंग आप अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। सोचिए आपका पे आउट क्या होगा, अगर 600 लोगों की ज्वाइनिंग आपकी पर डे आपकी टीम के अंदर होती है तो सोचिए कि अगर उसको रीपर्चेज में कन्वर्ट कर दीजिए या बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए या अवार्ड में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपकी इनकम अनबिलीवेबल हो सकती है, राइट। तो ये बेसिक है जिस बेसिक के अंदर हमें मास्टर बनना है। मैं आशा करता हूं आपने अच्छे से लिख लिया होगा और इसके ऊपर ही हमें डिस्कशन करना है, 1-to-1 इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे, जैसे कि आज हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बेसिक्स है। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो एक्स वाई जेड, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी ग्रोथ अटक रही है, आपका चेक नहीं आया है, आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही है, आपका सेमिनार नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सो हमें यह सिखाया जाता था बैक टू द बेसिक्स। आप बेसिक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इन्हीं छह जगहों में कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, तभी मेरा काम अटका हुआ है, तभी मेरा काम रुका हुआ है, राइट। अगर इन छह में सारी की सारी चीजें सही से हो रही है तो यकीन मानिए, इस बात को नोट करिएगा, आपका काम कभी नहीं रुक सकता। ये मैं ओपन चैलेंज करता हूं आपको, कभी भी प्रॉब्लम हो इन छह चीजों पर नजर डालिएगा, इन छह चीजों में कोई भी एक अगर अटका होगा या कहीं एक में भी दिक्कत होगी तो ही काम अटका होगा, बाकी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इन छह चीजों के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा, राइट। सो ये हमें याद रखना है, बात करेंगे इसके ऊपर वन बाय वन। सो आज जो डिस्कशन है वो ये है कि वी आर हियर बिकॉज फॉर फुलफिल द ड्रीम ऑफ अवर फैमिली, आज हम यहाँ पर है बिकॉज हम हमारे परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लोग भाग रहे हैं दुनिया के अंदर, लोग इसी चीज के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई टारगेट, कोई लक्ष्य, कोई दिशा नहीं है, बस भाग रहे हैं, राइट। चीजों को समझने के बिना मैंने कोई चीज समझी ही नहीं, मैं भाग क्यों रहा हूं, मैंने कोई चीज समझी ही नहीं, जानी ही नहीं, मैंने पेपर पे यह उतारा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं जिंदगी में कितना महान बन सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ भाग रहा हूं। तो दोस्त, सिर्फ भागने वालों को टॉम एंड जेरी वाला हाल हो जाता है, वो भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, लेकिन हाथ में मिलेगा आएगा कुछ भी नहीं, राइट। सो हमें ये चीज फाइनल करनी है कि हम भाग क्यों रहे, क्या वाकई में हमारे ड्रीम्स है, वाकई में हमारे सपने हैं, वाकई में हमारे टारगेट्स हैं, वाकई में हमारे गोल है, लक्ष्य है, हम भाग रहे हैं तो भागने की वजह, और वो वजह इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए जो आपको रात को आराम से सोने ना दे। वो कहते हैं ना कि अगर चैन से सोना चाहते हो तो एक बार अच्छे से जान जाओ, एक बार मेहनत करनी है जिंदगी में, मौका हर एक इंसान को मिलता है, और एक बार अगर आपने दिल से समझ के सीखने के साथ मेहनत कर ली और सही दिशा में मेहनत कर ली तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ आपका हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा, आप इतनी तेजी से आगे बढ़ जाए। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होते हैं लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिलती है बिकॉज वो लोग सीखना नहीं चाहते, वो लोग समझना नहीं चाहते, वो लोग अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं आता है। बहुत कुछ देखो पहले की बात है,
कई सारे लोग मुझे ऑफिस के अंदर मिलने के लिए आते हैं, मुझे कहा कि सर पहले इस कंपनी में, उसके बाद उस कंपनी में, उसके बाद मैं अब तक 10 कंपनी बदल चुका हूँ, मैं 20 कंपनी बदल चुका हूँ, मैं 25 कंपनी बदल चुका हूँ, ऐसा था वैसा था। क्या कंपनियां बदलने से पैसे आते हैं? नेवर। मैंने उनसे बहुत ही छोटा सा सवाल पूछ लिया, उनको बहुत ही हर्ट हुआ, बहुत फील हुआ, उनको बुरा लग गया। मुझे सर ने कहा कि सर इस तरह के सवाल मत पूछा करिए। मैंने कहा मेरा सवाल सर बहुत ही सिंपल था कि जिस कंपनी में आप काम करते हो मुझे सिर्फ उस कंपनी का प्रेजेंटेशन दिखा दो। उसने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उस कंपनी में आपको, आपने 10-12 लाख रुपए की इनकम अर्न की है और उस कंपनी का प्रेजेंटेशन या प्लान आपको इंपॉर्टेंट आपको नहीं पता है। सो बट ऑब्वियस है कि उस कंपनी में आगे चलोगे ही नहीं। तो ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर, ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काम किए हुए हैं लेकिन उनको ब्रीफिंग नहीं पता है, डिटेल्स नहीं पता है, कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन, कंपनी की पोटेंशियल पावर जो है वो नहीं पता। इस प्लान में इतनी ताकत है, फोर स्टेप फॉरवर्ड एलएलसी का जो प्लान है उसमें इतनी ताकत है, यकीन मानिए मेरा, कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं अगर चाहे तो। इतना पावर है। मैं 20 साल के तजुर्बे से बात कर रहा हूं कि अगर आपने दिल से पूरी ईमानदारी के साथ एक बार ताकत लगा ली, यकीन मानिए कोई नहीं पकड़ पाएगा आपको, इतनी तेजी से आप आगे निकल जाएंगे। राइट, वो रीजन बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आगे बढ़ने का आपके पास कि आपको कोई नेगेटिव ना कर सके, आपका कोई हाथ ना पकड़ सके। सीधा एक ही जवाब है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझे कंपनी के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर, कंपनी के प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा है, तो उतना भरोसा मुझे और किसी पे नहीं। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, नहीं चलना चाहते तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे रोकिए क्योंकि मैं आगे बढ़ू। सिंपल सी लाइन को यूज करना है और देखिए आपका ग्रोथ रेट कितना आगे बढ़ जाए। राइट, सो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे पास जो रीजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू डेलिबरेटली देखिए चीजों को समझना, अगर हम लोग अच्छी आदत आज से डालना शुरू कर देंगे तो अच्छी आदतें पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हमने बुरी आदतें डाली या नहीं भी डाली तो भी बुरी आदतें ऑटोमेटिक अपने पास पहुंचने वाली। राइट, सो ये जो बिजनेस करने का तरीका है, अच्छे ड्रीम लिखना है ना, लोग लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, अच्छी चीजों को राइट डाउन करना, अपने फ्यूचर को लिखना, अपने फ्यूचर को समझना, सही डायरेक्शन में काम करना, अच्छी चीजों को सीख के आगे बढ़ना, अपने टीम को डेवलप करना, अपनी टीम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना, अपने अपलाइन के प्रति समर्पित रहना, सिस्टम को समर्पित रहना, अच्छी आदतें। अगर अच्छी आदतें डालेंगे तो बिजनेस भी अच्छा होगा, क्योंकि आपका बिजनेस पूरी तरह से आपकी आदतों के ऊपर निर्भर करता। अगर आपकी आदतें सफल लोगों की आदतें हैं तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी आदतें जो लोग बदलते रहते हैं वैसी है तो सीधा हिसाब है, टीम भी ऐसी बनेगी। राइट, सो अगर अच्छी आदतें डाल देंगे तो आदतें अच्छी अपने आप हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं डालेंगे तो बुरी आदतें तो अपना सिकंजा आपके ऊपर जमा के बैठी हुई है। राइट, सो अच्छी आदतें डालनी है, समझना है, कंफर्ट जोन से थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, कंफर्ट जोन सबको अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए अगर मैं सिर्फ कंफर्ट जोन को सिलेक्ट करके बैठा रहूंगा, मुझे 12 बजे तक सोना अच्छा लगता है, मुझे टाइम पे खाना अच्छा लगता है, मैं फैमिली के लिए मतलब टाइम ज्यादा निकालना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, मुझे मूवी देखने का शौक है, मुझे घूमने फिरने का शौक है, ये सारी चीजें हैं, दैट इज ओके, ठीक है, सब कुछ करना है। हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एंटर ही इसलिए हुए हैं ताकि हम वो सब कुछ कर सके जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक बाउंड्री लाइन, डेडलाइन एक सिलेक्ट करनी है कि आज मेरी एज 25 साल है या 30 साल है या 35 साल है या 40 साल है, जो भी एक्सपायर घर मेरी एज है, उस एज के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग या फोर्थ स्टेप के अंदर अपने कदम बढ़ाए। मैं एक साल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ सब लोगों को, जैसे आज पैसा कमाने के लिए लोग लंदन, पेरिस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, हर जगह जाते हैं। जब वो वहां पे जाते हैं तो क्या वो फैमिली को टाइम देते हैं? क्या वो एंजॉय करते हैं? क्या वो शादी पार्टीज, फंक्शंस, घूमना फिरना, है ना, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाना, ये सब करते हैं? कंफर्ट रूम में रहते हैं या वहां पे जाके मेहनत करनी पड़ती है? इसको सोचिएगा, थिंक अबाउट इट, है ना। लोग पैसा कमाने के लिए देखिए बाहर जाते हैं ना, वो शादी अटेंड कर पाते हैं, अपने घर के फंक्शंस में भी टाइम पे वो पहुंच नहीं पाते, लेकिन जब वो 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करके पैसा कमा के जब वो वापस इंडिया आते हैं, है ना, तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा हो जाता है
कि वो बाकी की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते। लेकिन हमने हर चीज को टाइम दिया, मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, मैं एंजॉयमेंट को टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन को टाइम दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अर्निंग करने के लिए, पैसिव इनकम के लिए, ड्रीम लाइफ जीने के लिए, सपनों की जिंदगी जीने के लिए क्या मैंने कोई टाइम निकाला है, कोई टाइम दिखा है? उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 2400 घंटे लगे रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट सेलिंग ये एक स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है और स्मार्ट तरीके से ही होता है। बहुत ही सिंपल फंडा है, उसको समझिए कि अगर मैंने सोने के लिए, अगर मैं सोने के लिए 6 घंटे का समय लेता हूं, समझिएगा, तो 6 घंटे मैं सोता हूं, 2 घंटे मैं इंजॉय करता हूं, 2 घंटे मैं टेलीविजन देखता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मेरे ड्रीम लाइफ को जीने के लिए, सपने पूरे करने के लिए मैं 5 घंटे अलग से निकालूंगा। 24 घंटे में से 19 घंटे आपको जो करना है वो करिए, कोई रुकावट नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 5 घंटे, और कसम खा लीजिए कि ये 5 घंटे मैं 4 स्टेप के अलावा और किसी को नहीं दूंगी या किसी को नहीं दूंगा। 5 घंटे के अंदर, अगर 1 घंटे में 1 प्लान शो होता है, प्रेजेंटेशन होता है, तो 5 घंटे में मिनिमम रोज के 5 प्रेजेंटेशन करने के बाद ही मैं दूसरे और कोई काम करूंगा या करूंगी, राइट? सो हम हर चीज को टाइम देते हैं, तो सक्सेस के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। अगर सक्सेस के लिए हमने टाइम निकाला ही नहीं तो सक्सेस मिलेगी भी नहीं। सक्सेस हैबिट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, जो कामयाब होने के लिए जो हैबिट्स है, उस हैबिट्स की ये लिस्ट है, समझिए इस लिस्ट को। प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, जो आदतें हैं वो हमें कौन सी डालनी है, जो आदतें आपको अमीर बनाएगी, जो आदतें आपका नेटवर्क बनाएगी, जो आदतें आपको आगे लेकर जाएगी, जिस आदतों के साथ आप कामयाबी की रेस में सबसे तेजी से आगे निकल सकते हैं, उसमें से सबसे पहली जो आदत है वो है प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, यानी कि नए नए लोगों की लिस्ट बनाते रहना, नए नए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करते रहना। मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है, हिंदुस्तान वर्ष के किसी भी कोने में बैठकर मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूं या कर सकता हूं, राइट? तो सबसे पहली सक्सेसफुल होने के लिए जो हैबिट डेवलप करनी है, उस हैबिट का नाम है प्रोस्पेक्टिंग हैबिट। किसी भी चीज को 21 दिन तक करेंगे, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जरूर होगी, लेकिन 21 दिन तक अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें महारत हासिल कर ही लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अकेले कहीं भी नहीं है, ऑलवेज हम लोग आपके साथ है, राइट? दूसरी जो हैबिट है वो हैबिट है कॉलिंग हैबिट। कॉलिंग हैबिट सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब फोन करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, उनको हमारी जरूरत है, राइट? कॉलिंग हैबिट का मतलब ये है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले को ये एहसास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये मुझसे कुछ मांगने के लिए या इसको मेरी जरूरत है इसलिए मुझे कॉल किया। हमेशा ये रियलाइज करवाइए कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और किस्मत के दरवाजे खोलने वाला इंसान हूं। अगर आप वाकई में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो वी आर विथ यू, राइट? ये कॉलिंग हैबिट, इसको डेवलप करना है। ये डेवलप होगी, कैसे होगी उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, आप इसको लिख लीजिए, जस्ट नोट डाउन इट। दूसरी है सेलिंग हैबिट। दुनिया के अंदर जो बेचने वाले लोग हैं वही लोग तरक्की करते हैं, चाहे एग्जांपल टाटा का ले लो या बाटा का ले लो या किसी भी चीज का ले लो, लेकिन जो लोग बेचना जानते हैं वो लोग सक्सेसफुल है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि खरीदारी अच्छी चीज है, लेकिन जो सारी जिंदगी खरीदार यानी कस्टमर बने रहते हैं वो लोग जल्दी प्रोग्रेस नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग बेचना सीख गए, दुनिया का मुझे ज्यादा तक अनुमान है, मेरे 20 साल के तजुर्बे से बात कर रहा हूं कि दुनिया की सबसे शानदार और बड़ी इंडस्ट्री जो है वो है सेलिंग इंडस्ट्री, यानी कि बेचने वाली इंडस्ट्री। अगर आपको बेचना आ गया किसी भी चीज को, मैं ये नहीं कहूंगा अपने प्रोडक्ट, किसी भी चीज को अगर आप में बेचने का हुनर है तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। ये बेचने का हुनर आपको सीखना है, राइट? नेक्स्ट वन इज वर्किंग हैबिट। जैसा कि मैंने समय बताया कि आपको वर्किंग हैबिट जो है उसको डेवलप करना है कि 4-5-6 घंटे, मैं मेरे कंफर्ट जोन में भले 19 घंटे 18 घंटे रहता हूं, लेकिन मुझे वर्किंग के लिए कितना समय लगाना है ये मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। काम करने की मुझे आदत डालनी पड़ेगी। अगर मैं काम करने की आदत नहीं डालूंगा तो ना काम करने की आदत तो मुझे अपने आप पड़ ही जाने वाली है। अगर मैं सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डालूंगा
तो देरी तक सोने की आदत तो मुझे अपने आप पढ़ने वाली है। अगर मैं अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत नहीं डालूंगा तो सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है, आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा, राइट। टेलीविजन बहुत ही पावरफुल है जो आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा, अड़ोसी पड़ोसी के जो लोग हैं वो आपको अपनी तरफ खींच ही लेंगे, राइट। अच्छी बुक पढ़ने की, अच्छा काम करने की, अच्छा बिजनेस करने की, अच्छे दिखने की आदत डाल, समझिए। सेमिनार को अटेंड करने की आदत डालिए, अपलाइन के साथ हमेशा टच में रहने की आदत डालिए, लीडर्स को डुप्लीकेट करने की आदत डालिए, हमेशा ऑलवेज अपनी टीम के साथ आप बिलीव नहीं करेंगे। जब मैं पहली बार आज से 15-16 साल पहले मुझे फाइव स्टार होटल में रहने का मौका मिला था, मैं फाइव स्टार होटल में जो डिश होती है, मतलब जो थाली खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जब मैंने खाया था मैंने पूछा था ये डिश का प्राइस क्या होगा उसका, उसने बताया एक 1200 रुपए की एक प्लेट है खाने की। मैं शॉक हो गया था, 1200 रुपए की प्लेट में खा रहा हूं, 15 साल पहले की बात। उस रूम के अंदर, मतलब जो उसका बेडरूम था, जो उसके बेड थे, उसका जो रूम का जो डेकोरेशन था, जो उसका वॉशरूम था, वहां तक की उस सबकी मैंने फोटोग्राफ खींची और उसको मैंने पब्लिश किया, बाकायदा उसको पब्लिश किया कि मैं यहाँ पे, उस टाइम पे उतना नॉलेज मुझे नहीं था, बट वो चीज मुझे समझ में आई कि अगर मैं किसी भी चीज को प्रमोट करना शुरू करूंगा, उसका मैं प्रमोशन करना शुरू करूंगा, तो लोग उसको अट्रैक्शन का पात्र जरूर मानेंगे ही मानेंगे। तो मुझे ये प्रमोट करना आना चाहिए। कंपनी का छोटा सा भी कोई फंक्शन है, कंपनी का एक जूम मीटिंग है, चाहे वो हमारे लीडर्स में से कोई भी ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र पटेल सर, जितेंद्र सर हमारा सेशन ले रहे हैं, या डॉली मैडम ले रहे हैं, या भारती बहन ले रहे हैं, या ज्योति बहन ले रहे हैं, राइट, या हमारे टीम के गोपाल सर ले रहे हैं, या श्याम मोहन सर ले रहे हैं, चाहे कोई भी लीडर, जितने भी लीडर हमारे आज कंपनी के जूम मीटिंग ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है एक्सवाइजर, उसको इतने जबरदस्त तरीके से आपको प्रमोट करना है कि आपका जूम रूम पैक्ड हो जाना चाहिए, मतलब जगह बचनी नहीं चाहिए, लोगों का आपकी कॉल आना शुरू हो जाना चाहिए कि यार मुझे इस पर्सन को सुनना है, मुझे ये सेमिनार अटेंड करना है, मुझे पोस्टर की हर चीज जाननी है। ये हमें सीखना पड़ेगा। होता क्या है कि जीतू सर ने लिंक डाल दी, या भारती मैडम ने लिंक डाल दी, या डॉली मैडम ने डाल दी, या श्याम महंत सर ने लिंक डाल दी, या हमारे जितने भी लीडर्स अभी मतलब लिंक बना के काम कर रहे हैं, कपिल सर ने डाल दी, इन लोगों के साथ जो काम हो रहे हैं उन्होंने प्रमोशन किया, आप लोग एंटर हो गए, दैट इज ओके। बट सोचिए अगर आपकी लिंक बनती है, आप जूम रूम में है और आपका प्रमोशन करना है तो कैसे करेंगे। सो ये टीम के हर एक मेंबर को आना चाहिए कि हर वो छोटे से छोटा इवेंट उसको बड़ा कैसे बना। हर चीज एक छोटी सी स्टोरी होती है ना, एक छोटा सा मूवी, जो मूवी फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब जिस मूवी का कोई मतलब नहीं बनता, फ्लॉप मूवी हो जाते हैं, अगर अवार्ड फंक्शन किया हुआ है, या डीजे नाइट है, या 31st नाइट है, या क्रिसमस ईव है, या कुछ भी एक्सपर्ट फंक्शन है, उसमें होता कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए, आप इसको ध्यान से समझिए, कुछ नहीं होता है, बस 2-3 मिनट का थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट होता है और वापस हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस इवेंट की प्रमोशन, उस फंक्शन की प्रमोशन कितने शानदार तरीके से होती है, और हमारे तो हर रोज के इवेंट शानदार होते हैं। सो कोई भी लिंक, कोई भी जूम मीटिंग, कोई भी कंपनी का फंक्शन, कोई भी ऑफलाइन का फंक्शन, आपके खुद का फंक्शन भी अगर होता है तो उसको प्रमोट ऐसे करिए कि ये जान लगा दीजिए उसमें, उसमें जान लगा दीजिए, सीखिए उसको कैसे करना है। जितना ज्यादा एडिफिकेशन आप करेंगे, जितना ज्यादा प्रमोशन आप करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए, क्योंकि ये बिजनेस आइडेंटिफिकेशन और एडिफिकेशन का बिजनेस है, समझिएगा इस चीज को। ये आपकी रेपुटेशन को और आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया दैट, मतलब जो ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर मत डालिए जो आपकी इमेज को डाउन करता है। सोशल मीडिया के ऊपर खुद के, खुद से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा, आपकी जो सीनियर है, आपकी जो टीम है, आपकी जो कंपनी है, आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको हाईलाइट करिए। लोगों को मैंने देखा है सोशल मीडिया साइट्स को लोग ऐसे यूज करते हैं कि भाई फंक्शंस डाल दिए, शादी डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया साइट से लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। देखिए उन लोगों को ध्यान से, वो लोग कैसे कमाते हैं। वो लोग कंपनी की हर उस चीज को प्रमोट करते हैं। वो लोग कंपनी में छोटे से छोटे इवेंट से लेके बड़े से बड़े इवेंट को, कंपनी की छोटी से छोटी जो प्रोडक्ट है, बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट तक, कंपनी का जो कुछ भी उनके पास है उसको वो लोग प्रमोट करते हैं, उसके नीचे टैगलाइन लिखते हैं और उसको इतना ज्यादा पब्लिश करते हैं कि पूरी दुनिया में उनका डंका बज जाता है। हमें ये काम करना है, राइट। हर इवेंट को, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, उसको हमें
सेटअप कर रहे हैं, प्रोसेस समझते हैं। जैसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस, उसके बाद का प्रोसेस है प्रेजेंटेशन प्रोसेस, उसके बाद का प्रोसेस है फॉलोअप प्रोसेस, और उसके बाद का प्रोसेस है रिजल्ट प्रोसेस, राइट। इस चीज को थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। देखिए, ये चीजों के अंदर आपको मास्टर ब्लास्टर बनना है, इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग के बाद का जो है वो है कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइटिंग, उसके बाद जो है शो द प्रेजेंटेशन, शो द प्लान, शो द पैशन, शो द पर्सनालिटी। मैंने तो चीज बताई, याद रखिएगा, शो द प्लान, शो द पैशन, शो द पर्सनालिटी, राइट, एंड शो द पावर। ये चीजें शो करनी है। सिर्फ प्रेजेंटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार प्रेजेंटेशन देख के कोई भी इंसान आपके साथ नहीं जुड़ता है। आपकी पर्सनालिटी, आपका पैशन, आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका, आपका पोस्चर, इन सारी चीजों को देख के लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलोअप, सबसे इंपॉर्टेंट। फॉलोअप अगर सही है तो आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आ सकता है। अब इस चीज को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। बिल्डिंग अ लिस्ट, लिस्ट को बनाना कैसे है, थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे, इसका आप फटाफट लिखते जाइए, मैं बताते चला जाऊंगा। सबसे पहली चीज है लिस्ट बिल्डिंग करना। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब है कि सिर्फ हमने क्या किया, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सर आप हमारी टीम के अंदर आ गए हैं, फटाफट आ जाइए, थोड़ा बैक लेके चलूंगा आपको। पहले पहला था माइंडसेट टू सक्सेस, माइंडसेट एंड काउंसलिंग, क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग। ये चीजें होने के बाद इसके नीचे आना है, मतलब लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बाद में आना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला है बिल्डिंग अ स्ट्रेंथ, क्लियरिंग विजन, विजन फॉर सक्सेस, ये पहले क्लियर होगा, पावर प्लेयर पहले क्लियर होगा। ये होने के बाद अगर पर्सन काम करने के लिए रेडी हो गया है, प्रोसेस है, आगे चलते हैं। पहला है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, उनके जो भी ड्रीम्स है उस ड्रीम की पहले लिस्ट बना। सीधे प्रोस्पेक्ट नहीं, आप मेरे पांच नाम दे दो सर, पांच कौन लोग जिनको हमें मिलना है, 50 लोगों के नाम दे दो सर, उनको हमें मिलना है, ये करना है, वो करना है, फटाफट निकल गए और बंदे से मिले ही नहीं, उसने ज्वाइन क्यों किया था हमें पता ही नहीं है, हम सीधे पहुंच गए, सर आप 10-15 लोगों से मिलवा दो, बस काम शुरू कर देते हैं। तो दिस इज नॉट अ नेटवर्किंग, दिस इज नेटवर्किंग एक्चुअली। नेटवर्किंग का मतलब है, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके साथ जो पर्सन काम करने के लिए आया है वो क्यों आया है, तो आप कभी भी उसको कामयाब नहीं बना सकते, ना ही आप बन सकते। तो पहला काम ये करना है कि जो पर्सन भी मेरे साथ काम करने के लिए आया है वो क्यों काम करने के लिए आया है, कौन से रीजन के साथ आया है, ये पता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमें ये पता चल गया तो डेफिनेटली हम अपनी लिस्ट बहुत ही मजबूत बना लेंगे, बिजनेस को भी बहुत मजबूत बना लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही शुरू कर दिया, जो काम लास्ट में करना है वो मैंने पहले कर दिया, तो 1-2-3 दिन के अंदर पर्सन आपसे रूठ जाएगा, वो निकल जाएगा, फिर वो पकड़ में भी नहीं है, राइट। सो डोंट वर्क एज अ ट्रायल बेस, ट्रायल बेस काम नहीं करना है, परमानेंट काम करना है। पहला काम है उसको जज करना, प्रिडिक्ट करना, उसका विजन क्या है ये समझना, उसका पावर को, उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना, उसके बाद उसकी ड्रीम लिस्ट को जानना, समझना क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, रिलेशन क्रिएट करने हैं, एक बॉन्ड बनाना है लोगों के साथ, और रिलेशन बनाते हुए हमें आगे चलना है, तब जाके हम एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण कर पाए, राइट। उसके बाद अगर उसने बहुत अच्छे सपनों की, बहुत अच्छे टारगेट की, अगर उसका रीजन बहुत स्ट्रांग है, रीजन को समझिए, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, मुझे एक अच्छा घर बनाना है बिकॉज मेरे माँ बाप रेंट के घर में रहते थे, मैंने भाड़े की जिंदगी देखी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मेरे माँ बाप को एक अच्छा और शानदार घर बना के दूं। मुझे गाड़ी लेनी है क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे बीवी बच्चे जब भी किसी की शादी होती है, कहीं जाना होता है, धक्के खाते हैं, बारिश होती है, भीगते हुए जाना पड़ता है, हमारे पास व्हीकल नहीं है, मेरे माँ बाप है, मेरे पेरेंट है, उन्हें भी रिक्शा में जाना पड़ता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। दैट्स व्हाई वो चीज मुझे अखड़ती है, मेरी आंखों में आंसू लेके आती है, इसलिए मैं कार लेना चाहता हूं, स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। ड्रीम है तो ड्रीम क्यों है, कार सबको चाहिए, बंगला सबको बनाना है, सबको करोड़पति बनना है, लेकिन बनेगा वही जिसका रीजन स्ट्रॉन्ग है। अगर रीजन स्ट्रॉन्ग है तो बंदा आगे चलेगा, रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर, कैटेगराइज योर लिस्ट इनटू हॉट एंड कोल्ड,
आपको जो लिस्ट बनानी है उसमें दो तरीके का लिस्ट, एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट और दूसरा कस्टमर लिस्ट, कि जिनको प्लान दिखाना है जो प्लान से अग्री करेंगे, और दूसरे वो लोग जो सिर्फ प्रोडक्ट से अग्री करेंगे। ये दोनों लिस्ट को बाइफर्केट करना है, कौन से सवाल है उनके दिमाग के अंदर, उसका एक लिस्ट तैयार करना है कि सर या मैडम या दीदी या जो भी आप कहते हैं, आप समझिए, आप बताइए आपके दिमाग के अंदर कौन से क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जिसके साथ आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो सारा क्वेश्चन बनाइए पहले, सर ये क्वेश्चन है, 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 उन सब क्वेश्चन को लिस्ट पे उतार दीजिए और फिर सवाल करिए कि अगर आपके सारे सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो क्या आप मेरे साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर यस तो डेफिनेटली आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन अगर कंफ्यूजन है फिर से मीटिंग अरेंज करिए, फिर से एक बार पूछिए कौन से रीजन के साथ वो काम करने के लिए आया, राइट। कैटेगराइज योर लिस्ट, आपको अपने लिस्ट को कैटेगराइज करना है। किसी को भी प्री जज कभी नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है कि सर वो आएगा या नहीं आएगा। वी आर नॉट अ गॉड, हम भगवान नहीं है, हमें नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं पता, राइट कैसे पता चलेगा। बट हमें किसी को प्रीजज किए बिना हमेशा लोगों को हमारी तरफ से जो गाइडलाइन चाहिए वो गाइडलाइन देते हुए जो हमारी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें आगे चलना है, राइट। किसी को प्रीजज नहीं करना। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसको मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, इस बात को कई साल गुजर गए, बाद में वो एंटर हुआ बिजनेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मेरी ही टीम में एंटर हुआ, पर उसको इतना भी नहीं पता था कि मैं भी इसी कंपनी में हूं, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं ही उसके सीनियर में। लेकिन जब मैंने उसका काम देखा तो रियली शॉक, आई वॉज कंप्लीटली शॉक कि यार ये मेरा दोस्त है, मतलब मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया, बट ये इतना फैबुलस वर्क कैसे कर सकता है। ये मैंने उसको प्रीजज किया था कि ये नहीं कर सकता, पर उसके बाद भी जिस बैंक के अंदर मेरा अकाउंट था उस अकाउंट होल्डर ने एक बार मेरा पेमेंट या मेरा चेक आई थिंक पास नहीं किया था, उससे मेरी लड़ाई हो गई। उसने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एंट्री की कि ये मेरी ही टीम में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं सीनियर में। लेकिन जब उसे ये पता चला कि मैं सीनियर में हूं, उसे अफसोस हुआ, मुझे भी अफसोस हुआ कि इतना फैबुलस वर्क भी कर सकते हैं। तो कभी भी किसी को निगलेक्ट या किसी को प्रीजज मत करिए। आपके साथ हर बंदा नेटवर्क इंडस्ट्री में आएगा ही आएगा। अपनी जबान के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर इतने अच्छे तरीके से कमांड ले आओ कि हर बंदा आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। किसी को प्रीजज मत करो। आपके पड़ोस वाला जो बंदा है वो भी आपके साथ आएगा। क्या आपने कभी उनको प्रेजेंटेशन दिखाया? क्या आपने कभी उनसे डिस्कस किया? अगर नहीं किया तो करिए। हर बंदा आपके साथ काम करना चाहता है। सर मेरे मामा जी हैं वो नहीं आएंगे। आएंगे क्यों नहीं आएंगे? उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी नेम एंड फेम चाहिए, उनको भी लेगेसी लेके जाना है अपनी फैमिली के लिए। सबको सब कुछ चाहिए, जो हमें चाहिए वो सबको चाहिए, लेकिन साउंड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, हमारे लिस्ट को एक्सपांड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा हमारी लिस्ट को एवरी डे। ये आदत हमें डेवलप करनी है कि हर रोज हमारी लिस्ट में 5 नए लोग ऐड होने चाहिए ही चाहिए। एवरी डे 5 लोग हमारी लिस्ट में नए ऐड होने चाहिए। अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो डायरी और पेन आपको लेना है और हर रोज आपको अपनी लिस्ट में 5 लोगों को ऐड करना है। ये आदत हमें आज से डालनी शुरू करनी है, आज से ही। 3 टाइप के लोग हमारी लिस्ट के अंदर आएंगे। सबसे पहला कस्टमर, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स मतलब लीडर्स। ये तीनों कैटेगरी के लोग हमें मार्केट के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कौन मेरा लीडर बनेगा, कौन मेरा रिटेलर बनेगा, कौन मेरा कस्टमर है। ये हम प्रीजज नहीं कर सकते। जिस हिसाब से आपका काम होगा, आपके पूछने की छटा होगी, आपका काउंसलिंग करने का तरीका होगा, है ना, आपका लिस्ट बनाने का तरीका होगा, आपका क्लियरिंग विजन करने का तरीका होगा, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट को बाइफर्केट कर सकते हैं। सर ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा रिटेलर है और ये मेरा लीडर है। और यकीन करिए ये तीनों कैटेगरी हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर ही चाहिए, हमें कस्टमर्स भी चाहिए, हमें रिटेलर्स भी चाहिए और हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए। ये तीनों कैटेगरी हमें चाहिए और ये तीनों कैटेगरी मार्केट में ही अवेलेबल है, हमें बस लोगों तक पहुंचना है। याद रखिए, अगर लोग नहीं जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप गार्डन में टहल ही रहे और कुछ नहीं कर रहे। जितनी बड़ी हमारे पास लिस्ट होगी उतनी हमारी सक्सेस की गारंटी बढ़ जाती है। हर रोज
पांच लोगों को लिस्ट में ऐड करने का मतलब है कि एक महीने में 150 लोगों की लिस्ट, और अगर ये 150 लोग यही आदत इख्तियार कर दे कि मुझे सिर्फ पांच लोगों की लिस्ट को ऐड करना है, तो आने वाले समय में सिर्फ एक या दो बंदे 150 से 1500, 1500 से 15000 और 15000 से 15 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। दिस इज द एक्चुअल सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम जो नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ता है, राइट। तो सबसे पहले बिग लिस्ट बिग सक्सेस, नो लिस्ट नो सक्सेस। अपना ट्री हमेशा अपने पास रखिए, जो भी ट्री आपने बनाया है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप मुझसे मिलो तो कम से कम अपने स्ट्रक्चर के साथ मिलो। लिस्ट बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, यूज द फॉर्मूला ऑफ अ फ्रेंड्स, FRIENDS, एफ फॉर अ फ्रेंड्स। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड्स का मुझे एक लिस्ट बनाना है। उसके बाद जितने भी मेरे रिलेटिव है, जो रिलेटिव है, कम से कम सपोज फ्रेंड अगर मेरे 5 से 10 मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव जो है वो मेरे अप्रोक्सीमेट 25 से 50 रिलेटिव हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, यानी कि जब मैं पढ़ाई करता था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूँ, राइट, वहां पे जो लोग मुझे पहले जानते थे, अभी तो होता है रीयूनियन होने लगा है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, तो वो ग्रुप बन जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स जो होते हैं उसके लिस्ट बनाइए। ई फॉर एम्प्लॉय, जहां पे हम नौकरी करते हैं, जहां पे हम काम करते हैं, वहां ये मत सोचिए कि जो लोग मेरे कॉलिग्स हैं वही लोग मेरे लिस्ट में आ सकते हैं। आपकी लिस्ट में हर वो इंसान आ सकता है, हर वो इंसान आ सकता है जो आपके 10 किलोमीटर के दायरे में है, वो सब लोग आपकी लिस्ट में आ सकते हैं। प्री जज हमें किसी को नहीं करना, राइट। उसके बाद हमारे जो नेबर्स है, ये हर नेबर्स हमारे लिस्ट में शामिल होने चाहिए। एंड डेडिकेटेड पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन का मतलब है कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, वकील, सीए, जो किसी के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं, राइट, उनसे उनका गुजर बसर चलता है, डेडिकेटेड पर्संस। एंड द लास्ट वन इज अ स्ट्रेंजर, लाइक फ्रेंड्स, एक फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट के हिसाब से हम एक लिस्ट को तैयार करते हैं, राइट, FRIENDS, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, एम्प्लॉय, नेबर्स, डेडिकेटेड पर्सन एंड अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब है कि रोज जो पांच लोगों की लिस्ट हमें ऐड करनी है, राइट, हर रोज पांच लोगों को ऐड करना है, वो कहां से आएंगे, वो इन स्ट्रेंजर से आएंगे, अननोन पर्सन। हम कहीं भी जाते हैं हर रोज हमें कई सारे लोग टकरा ही जाते हैं, या तो टेक रेफरेंस टेक्निक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे मैं किसी से भी जब मिलता हूं, किसी भी पर्सन से मिलता हूं, तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल होना चाहिए कि आई फाइंड दैट पर्सन, मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूं जो पैशनेट है, जो ड्रीमर है, जो विजनरी, जो स्मार्ट है ना, और जो गरीब से अमीर बनना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मामा जी से मैं मिला, तो मेरे मामा जी तो मेरे लिस्ट में है ही, लेकिन मेरे मामा जी को मैंने ये कहा कि मामा जी मुझे 5 ऐसे लोग चाहिए जो पैशनेट है, ड्रीमर्स है, विजनरी है, जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो गरीब से अमीर बनना चाहते हैं। वैसे 5 लोगों का लिस्ट मुझे दे दीजिए, राइट, आप तो मेरे लिस्ट में है ही। अगर इन लोगों की एंट्रीज कंफर्म होती है तो डेफिनेटली आपके आईडी में इनके ऊपर कर सकता हूं, राइट। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को समझिए। अगर आप सिस्टम को समझ गए ना, तो आपको कभी भी कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एवरीडे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरी 100 लोगों की लिस्ट है, तो इन 100 लोगों को मुझे प्रेजेंटेशन तो करना ही है, लेकिन इन 100 लोगों के साथ मुझे अलग अलग 5-5 लोगों के रेफरेंस भी ले लेने, राइट, तो ये 500 का प्लस लिस्ट निकल जाएगा। और ये टेक्निक मुझे कंटिन्यू उस फॉर्मेट के हिसाब से आगे चलाता रहना है, ताकि मेरा लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इट्स अ एंडलेस गेम, ये गेम कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं। अगर मैंने 50 लोगों का लिस्ट बनाया है, तो इन 50 लोगों से मुझे सिर्फ 5-5 लोगों के रेफरेंस चाहिए, है ना, तो ये 250 हो जाएंगे। जो 250 लोग मुझे मिले हैं, उन 250 लोगों के पास से मुझे सिर्फ 5-5 रेफरेंस चाहिए, तो ये 2500 तक भी चले जाएंगे। एंडलेस गेम, यहां कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, राइट, ये है मेमोरी जॉगर, जिसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी जॉगर जो काफी इम्पैक्टफुल चीज है, जैसे व्हाट्सएप के अंदर, ट्विटर के अंदर, फेसबुक के ऊपर, या जैसे फॉर एग्जांपल जो डिससैटिस्फाइड पर्सन है, होता है ना, कुछ लोग काफी शौकीन बंदे हैं, कुछ लोग गार्डनिंग पे एक्सपर्ट है, कुछ लोग पार्टी के एक्सपर्ट है, कुछ लोग डिजाइनिंग के एक्सपर्ट है, कुछ लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं।
तो ये चीजें आपको लिस्ट में अप्लाई करनी है। सो